हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे घर में पार्टी, बिहारी पार्टी जिसे कहते हैं लिट्टी चोखा, जो हमारे यहाँ यूपी बिहार में बहुत फेमस है। तो आज पापा ने बोला कि भाई मौसम जो है ना आजकल बारिश का चल रहा है, तो बारिश वाले मौसम में भाई ये हमारे यहाँ बनता है। तो पापा कह रहे आज बनाते हैं। तो पापा उपले लेकर आए, हमारे यहाँ गोईठा कहते हैं उसे, पापा लेके आए। फिर मम्मी ने सब तैयारी करी मिल करके। मम्मी का मैंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि देखो आगे मेरे को धुएं से एलर्जी भी है थोड़ी। फिर मैं बैठ करके मम्मी से बात कर रहे थे हम दोनों, ओएस खाया हम लोगों ने, यही सब कर रहे थे हम लोग। मम्मी ये सब बातें बता रही थी। और आज भाई ये यहाँ बैठ करके ना मैं थोड़ा बहुत उनका कपड़े भी धो लेती हूँ उसी टाइम, और मैं ये सब कर रही थी। और ये हमारे जो घर के बगल वाला घर है ना, हमने दूसरा वाला घर है बगल में ही है, तो वही वाला हम बैठे हुए थे। ये थोड़ा हमारा कह लो स्टोर रूम है, या थोड़ा ऐसी खाली रहता है ये। तो हमने देखो कितना धुआं हो रखा, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो मुझे पता है कैसे खड़ी थी मैं, क्योंकि धुएं में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ये मैं दिखा रही थी कि देखो कितना धुआं, इतना धुआं था कि बस मम्मी बैठ पाई थी, कोई नहीं दिख रहा। मैं भी उनका सपोर्ट करने के लिए बैठी। और ये देखो ये हमने बना लिया था लिट्टी, इसे मैं पकाना था। तो ये भरने वाला जो काम था वो थोड़ा बहुत मैंने मम्मी के संग कराया, वैसे मुझे आता नहीं था, मैंने फिर भी कोशिश करी और मैं कामयाब हो गई अपनी कोशिश में। तो आप लोग भी बताइए लिट्टी चोखा किस किस को पसंद है। मेरे को तो बहुत पसंद है। और ये पता हमारे घर में बहुत टाइम बाद बन रहा था, मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं, और 5 साल में पहली बार बना था, क्योंकि हम पता घर के अंदर धुआं कर नहीं सकते, और ये खुला प्लॉट चाहिए होता, तो ये खुला था, तो इसलिए हमने यहाँ बनाया। और यहाँ बैठ करके मैं, गर्मी भी तो बहुत थी यार उस टाइम, फिर भी हमने कहा कि चलो करते हैं। फिर मम्मी आई, मम्मी को दे देकर मैंने कहा मैं भी करती हूँ, मैंने कहा यहाँ करो, तो फिर ये मैं भी इसमें रखने लग गई। क्योंकि पता है हमने गाँव में एक दो बार किया है, पर जब मैं छोटी थी तब किया था, और अभी तो वही प्रॉपर बहू वाला काम करना पड़ता है। तो वैसे मम्मी कर रही थी, बस मैं उन्हें देख के कर रही थी कि कैसे कैसे ये कर रही हैं। और मम्मी कह रही थी तुम हट जाओगे, क्योंकि तुम्हें धुएं से एलर्जी है। मैं कहा नहीं, मुझे करना है। तो मैं वही कर रही थी। तो जो आप लोग बोरा या कट्टा देख रहे हैं ना, इसके अंदर उपले रखे हुए थे, तो मैं सोच रही थी हटा दूँ, फिर मम्मी कह रही नहीं रहने, तो बाद में क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने हटाया नहीं। और आप लोग बताइए, तो आप लोग बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग। और पता है मुझे इसको करने में ना बहुत मज़ा आया था, इंजॉय कर रही थी मैं। पता है देखो मम्मी तो वो लिख के आई थी चिमटा, वो पलटा, और मुझे कुछ नहीं मिला था, मैं लकड़ी लेकर आई ढूंढ करके। फिर पापा आए, पापा को पता है, पापा देख रहे थे बन रहा है। पर पापा का मन था बैठ के बात करने का, पर पापा मैं थी इसलिए पापा बैठ नहीं पाए, पापा चले गए। उसके बाद पता है हम लोग कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे अपना कर रहे हैं, और अभी देखना पापा जी आएंगे, और पापा जी को भूख लगी थी, देखेंगे कि भाई इतना टाइम हो गया अभी तो बना ही नहीं। और मेरे हस्बैंड भी जाएंगे, वो भी ऑफिस से आ गए, इस बार जल्दी आ गए थे। मैंने कहा चलो सब जल्दी सही टाइम पे हैं भाई। और देखो पीछे आप लोग कितना ग्रीन दिख रहा है ना यार, पता है मेरे हस्बैंड ना सब पौधों का बहुत शौक़ है, और इसकी वजह से ना पेड़ पौधे देख के ना इतना मज़ा आ रहा था, पूरी गाँव वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ बैठ करके हमें। तो मम्मी अपनी गाँव की घर की बातें बता रही थी, मैं सुन रही थी। और ये जो है ना साथ में बात करते करते जो लिट्टी होती है ना, इसको पलटना होता है उसके अंदर। तो मैंने कहा अब मैं हाथ से करती हूँ, हाथ से करने लगा, वो ये मज़ा अलग ही फीलिंग आती है, बात करते रहो और ये लिट्टी वाला जो है पलटने वाला सिस्टम ना बड़ा मज़ा आता है। तो होता पर
देखा आप लोगों ने, पापा जी कह रहे 5 मिनट में लिट्टी लग जाता है। अरे 5 मिनट में कहाँ से लग जाएगा लिट्टी, परेशान होगा तो उन्हें भूख लग रही थी क्योंकि बहुत टाइम बाद, बहुत दिनों बाद बनाते तो उनका मन था जल्दी खाने को मिल जाए। और ये देखा तो मैंने कैसे अब उसमें साफ करी थी, अभी दोबारा करूँगी। देखना लिट्टी को ना ऐसे गाँव में करते हैं साफ, मैंने कहा ऐसे झाड़ देती हूँ कपड़े से साफ करती हूँ। मैंने कहा नहीं, इसमें डालो फिर ऐसे से हिलाना। हमें कही लाओ मैं करूँ, मैं कहा नहीं मैं करती हूँ, आप देखो मुझे भी तो सीखना है कि भाई मुझे इस चीज़ से बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मुझे आना चाहिए, कल को मुझे ज़रूरत पड़े तो भाई हमेशा थोड़ी मम्मी बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा मुझे सीखना है। सीखना है मतलब देखा है, हम लोगों ने खाया है पर अपने हाथों से सारा कुछ अकेले ने किया है, तो इसलिए मैंने कहा सीखना ज़रूरी है। पापा जी अपना भूल के चले गए, अभी तक बन ही रहा है। अपने भैया का बन गया, आ रहे हैं, फटाफट मैंने किया उसके बाद सब कुछ देखो ऐसे ही। एक बार कर देती हूँ मैं, थोड़ा बहुत है करके बस बन गए। और उसके बाद मम्मी का काम हो गया, मैंने कहा आप सब जाओ धीरे धीरे और अब मैं सब कुछ करके साइड में करके और इसको ले करके आती हूँ। फिर एक दो था, मैंने कहा मेरे को दो ही खाने थे भाई, दो में ही पेट भर जाएगा क्योंकि बड़ा बड़ा बनाया था मम्मी ने। फिर मैंने अपना जो जो अपने हिस्से का था ना, मैंने कहा थोड़ा सा रख दूँ 5 मिनट और मज़ा थोड़ा और अच्छा लगेगा टेस्ट में, तो मैं रख दी। मैं वही कर रही थी, मैंने कहा मम्मी आप हाथ दो और अब जाओ, मैं धीरे धीरे ले गया क्योंकि मम्मी के पैरों में थोड़ी दिक्कत है ना, और फिर मम्मी को जीने से चल के भी जाना है, तो मैंने कहा आप चलो धीरे धीरे मैं लेके आती हूँ। बस क्या, उसके बाद काम ख़त्म। उसके बाद जब बन जाता है ना फिर उसके बाद ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैंने कहा फटाफट से अब चोखा मिले और लिट्टी चोखा खाए, मज़ा आ रहा था। मेरे हस्बैंड भी बैठे थे ऊपर, अरे जल्दी आओ भाई खाने को। तो आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसे लगी, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना प्लीज़। और आप लोग भी बताना आप लोग को लिट्टी चोखा कैसा लगता है, और आप लोग को रेसिपी क्या रेसिपी क्या इसको ऐसी होता है, इसमें सत्तू का इसमें सत्तू डालते हैं और ये तो नॉर्मल सा है यार। किसी को भी एक बार मैं बता दूँगी, वैसे आप लोग को रेसिपी दे दूँगी, पर मज़ा आता है खाने में, बहुत लोगों को ये फेमस है सबको पता ही है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। और फिर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, मैं सब कुछ उल्टा बोल रही हूँ। पौधा ही पौधा हो गया, हो गया और इसमें कीड़े।